लाउडर, नहीं सॉरी एट द बिगिनिंग ऑफ अ चैप्टर वी डिस्कस सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स मैंने एक बनाया था, याद होगा आपको कईयों की नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ये पर्टिकुलर यूट्यूब लेक्चर देखा है नहीं देखा पिछले दो हफ्तों से हमने टाइम नहीं निकाला इट्स वर्किंग कंडीशन से डाउन वर्किंग कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर्स टू दे On such basis, we can divide the sectors as organized and unorganized sector. Organized and unorganized sector. Working conditions means, employer, what kind of a nature of a job provided by the employer. Employer Employer to the employees. So what kind of the terms and conditions marked by the employer to their employees. These are on such categories, we can categorize as organized and unorganized.

पर डिक्रीज नहीं होगी डिक्रीज नहीं होगी ठीक है ना अब एक कंस्ट्रक्शन वर्कर उसके साथ एक वो जो दिवारी मनाता है राजमिस्त्री है ठीक है इट है

A person is ready to work at a 350 rupees, 370 rupees, 300 rupees because supply of a jobs are the lesser, but the demand of a demand of a job opportunities is it's a more more unemployment comparatively the supply, which has influencing the economic exploitation in economy. Only in unorganized sector, not in organized sector. Those firms which following the rules and regulations marked by the government, government supported agencies are

डोमेस्टिक अलायंस जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी सामान महंगा होगा उसके साथ एम्प्लॉइज को कुछ एक्स्ट्रा इनकम दी जाएगी ठीक है ना द द पर्सन हैज मूविंग फ्रॉम फार अवे लुधियाना डेली फारुधिया कर ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा और उसको या फिर अपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाएगा लुधियाना में कहीं प्रोडक्शन साइट के पास अगर वो इंजीनियर है डॉक्टर है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं अगर वो वहां पर रेंट पे रह रहा है रह तो उसको हाउसिंग एंड रेंटल दिया जाएगा इट इज ओनली एप्लीकेबल अप्लीकेबल ऑर्गेनाइज सेक्टर

दोबारा बोलो दोबारा बोलो दोबारा बोलो इट मे बी ड्यू टू द क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ठीक है ना एक पर्सन है इंजीनियर आ रहा है एक इंजीनियर है दूसरी ओर एक डिप्लोमा होल्डर है के पास डिग्री है फाइव ईयर्स की डिग्री है अदर पर्सन हैविंग ऐसा वन ऑफ़ डिप्लोमा सिविल का ठीक है उसकी सैलरी जो जो डिग्री होल्डर होगा उससे कम होगी इट्स ड्यू टू द्वालिफिकेशन ठीक है ना ठीक है सदाना यस बोलो बोलो

जी कुछ कहना है आपने कार्तिक आप कुछ कह रहे हैं ठीक है सो वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे कैन बी एज प्रोटेक्टेड टू द अवेयरनेस इफ द वर्कर्स वर्कर इज अवेयर अबाउट देयर राइट्स देन टू व्हिच दे कैन प्रोटेक्ट दे कैन वर्क अगेंस्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन क्लियर दिलप्रीत अवेयरनेस होनी चाहिए सेकंड दे कैन मेक एज़ ऑर्गेनाइजेशनस

अगर जॉब बढ़ी तो उसके साथ जो वर्कफोर्स अनएम्प्लॉयड थी उसका एक्सप्लाइटेशन कम हुआ और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रोल कम हो गया ठीक है ना एनी अदर चले आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ओनरशिप ओनरशिप। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर बेस्ड ऑन ओनरशिप कंट्रोल कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर थ्री कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर सेक्टर हाँ जी हा हाजी हाँ जी नेशनल कहा आपने नो नो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर ज्वाइंट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मींस कंट्रोल मींस मैनेजमेंट मींस एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है मैनेज कौन कर रहा है उसका रोल क्या है उसका पर्पस क्या है उस बेसिस पे थ्री आर देयर Public, private, and joint. Public sector, those group of working sites or centers or firms which are controlled, managed, those firms which are controlled, managed, and administered by the government and their agencies. And their agencies. Government could, central governments and state governments could control, or either they tie up with a certain number of agencies. एजेंसीज़ उसके सपोर्टिव एजेंसीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती हैं। दे आर नोन एस ए पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर यस बोलिए फॉर्म्स विच आर कंट्रोल्ड मैनेज एंड एडमिनिस्टर बाय द एडमिनिस्टर बाय पब्लिक सॉरी एडमिनिस्टर बाय गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी एंड देयर एजेंसीज

ई एस आई स्टैंड फॉर पता होना चाहिए अदरवाइज वी कैंट यूज बी एस एन एल पोस्टल सर्विसेज एफ सी आई एफ सी आई वट्स रोल ऑफ एफ सी आई यू ने लास्ट ईयर इन अ फूड सिक्योरिटी चैप्टर डिलीट हो गया था ओके एफ सी आर स्टैंड फॉर द फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया

चैप्टर पढ़ा होगा वोटर डिलीट हुआ चलिए फिर बताइए उसमें इन पॉवर्टी चैप्टर लास्ट इन पॉवर्टी चैप्टर यू रेड अबाउट अंत्योदय योजना नहीं पढ़ी चलिए फिर बताइए उसके बारे में वट प्राइस इज सेट बाय द गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन अमंगस येलो कार्ड होल्डर्स फॉर येलो कार्ड होल्डर्स गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन एट अ लो प्राइस Two Rupees as a wheat, three rupees rice, and 20 rupees as 20 rupees as the pulses. It's only for the poor sections, power and people living in an under poverty line. So, FCI, Food Corporation of India, purchase food grains from farmers at fair price and distribute among the poorest at a fair price. Russian shops, Russian shops. इट्स अ गवर्नमेंट सपोर्टिव एजेंसी गवर्नमेंट नहीं है उसकी सपोर्टिव एजेंसी है जिसका काम क्या है जो गवर्नमेंट ने प्राइसेज सेट किए ग्रेन्स के उतने में ही फार्मर्स से परचेज करना है टू विच गवर्नमेंट फॉर दूर सेक्शन पुरर सेक्शन क्लियर चलिए आगे चलते हैं सी एसओ इजेंसी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल यह भी पब्लिक में आएगी एन एस एस ओ एन एस एस ओ एन एस एसओ स्टैंड लास्ट इन लास्ट चैप्टर पॉपुलेशन पढ़ा होगा आपने वोट नहीं तो डिलीट हुआ बोलिए कीर्ति नेशनल लव भूमिका इज रेडी टू आंसर वो कह रही नहीं डिलीट हुआ Sir, सर्वे वेरी गुड भूमिका वो कह रही नहीं डिलीट हुआ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इट्स आल्सो अ गवर्नमेंट सपोर्टिव एजेंसी व्हाट इज देयर रोल कलेक्शन ऑफ अ डाटा फॉर सेंसिस जो हर दस साल के बाद होता है लोगों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ठीक है हाँ जी हाँ फैमिली मेंबर से रिलेटेड आपके फैमिली uh, में कितने मेंबर्स है क्या वगैरह वगैरह क्लियर public sector clear. second private sector. sorry. role of a public sector is a. what is the purpose of a public sector? Public sector. welfare. welfare. welfare of society. welfare of society. second. increase in our job opportunities. increase in job opportunities. increase in job opportunities. public welfare. public welfare. on economic, economic development, availability of public facilities, availability of public facilities through economic development, through economic development and reduce economic disparities, disparities means differences, difference between a rich and poor, it, it is decreased by the government sector, government and their supportive agencies government supportive agencies clear reduce economic disparities next private sector private sector those firms which are directly controlled managed by the individuals or group of individuals those firms or those activities which are directly controlled and managed by controlled and managed by individuals or group of individuals ek, akela aadmi ho sakta aur group of individuals company, ho sakta hai. group, ho sakta hai, which are responsible for a production responsible for production known as private. Private sector firms are work for a profits. They do not work for a welfare they work for a profits to gain maximum profits. Private sector firms work for profits. Work for profits. They are not bothered about the conditions of our poorers. Clear. They work for the profits. Private sector, Airtel, Airtel, Tesco, Tesco, Tata iron steel company, Tesco, courier services, courier services, a postal services worked under the government, but a courier services too, as a private companies, both are there.

आज शेयर आपने परचेस किया उसकी प्राइसेस जो है वो हो सकता है कल तक टेन टाइम्स हो जाए या फिर उसकी वैल्यू जीरो हो जाए ठीक है इट डिपेंड अपॉन अ रिस्क चले आगे चलो ज्वाइंट सेक्टर ज्वाइंट सेक्टर हाँ जी क्या प्रॉफिट्स ये प्रॉफिट्स प्रॉफिट चाहिए भला नहीं चाहिए किसी का प्राइवेट सेक्टर डू नॉट वर्क फॉर द द द रिड्यूसिंग इकोनॉमिक बिकॉज़ व्हेन अ डूइंग वर्क फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स दे दे आर नॉट केयर डोंट अबाउट द कंडीशंस ऑफ अ सोसाइटी और अबाउटी प्रॉफिट प्राइवेट एंड पब्लिक पब्लिक Private sector and public sectors. Private and public are the joint sector activities. Joint sector. Joint sector. Those number of those activities which are collectively managed and controlled by the public as well as private sectors. Public as well as private sectors are a joint sector activities. Joint sector. In this sector, government responsible or a public sector responsible for public sector responsible for public sector responsible for availability and accessibility of goods. Availability and accessibility of goods. Whereas a private sector sorry, government sector is responsible for the availability and private sector for the accessibility. For accessibility for accessibility. public sector responsible for the availability. private sector for accessibility. example, pscb, punjab state electricity board. before 2007, it was fully public sector form. public sector. it was managed by the punjab government. but after the privatization, privatization, privatization doesn't mean that a complete of a share of punjab state electricity board.

power resources power resources for which as a new thermal power stations thermal power stations set so earlier electricity which was purchased from the bhakra bias management board bbmb or a bhakra nangal dam it was not as adequate as per completion of the needs of electricity then the government it set up the three thermal power stations in india three new thermal power stations

दिलप्रीत थर्मल पास स्टेशन थर्मल पास स्टेशन राघव सदाना पंजाब गुजरात में आता है दिस इज थिंग दिस इज थिंग फॉर मी मैंने पंजाब कहा हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पंजाब दिलप्रीत सेट प्रापली कनिष्का